अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। नासा के जरिए आज तक बहुत सारे अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया गया है। नासा में बहुत से भारतीय काम कर रहे हैं और बहुत से भारतीयों का सपना है कि वहाँ काम करें। इन्हीं लोगों में से एक हैं भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नासा में 13 सालों से काम कर रही अक्षता कृष्णमूर्ति ने इतिहास रच दिया है। अक्षता भारत की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर चलाया है। अक्षता नासा के उस मिशन का हिस्सा थी जिसके तहत स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर कुछ नमूने इकट्ठा कर रही थी। इसी के तहत उन्होंने मंगल पर रोवर चलाकर एक कीर्तिमान रचा। कहा जा रहा है कि अब इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। अक्षता का अगर हम इंस्टाग्राम अकाउंट देखें तो उनके इंस्टा पोस्ट में स्पेस से जुड़ी कई सारी जानकारियां हैं। इन्हीं में से एक पोस्ट में अक्षता ने अपनी मंगल ग्रह पर रोवर चलाने की जर्नी को भी शेयर किया है। अक्षता ने अपनी पोस्ट में कहा कि मैं 13 साल पहले अमेरिका में नासा के साथ काम करने आई थी। जमीन और मंगल ग्रह पर विज्ञान और रोबोटिक ऑपरेशन की अगुवाई करने के सपने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी जिन लोगों से मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मुझे अपनी फील्ड बदल लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं डटी रही, किसी की नहीं सुनी, अपना काम करती रही। पीएचडी पूरी करने के बाद मुझे नासा में नौकरी मिल गई। काम करना है तो पागलपन जरूरी है। अक्षता कहती हैं कि NIT से PhD की डिग्री लेने से लेकर नासा में फुल टाइम काम करने तक कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन आज मैं कई तरह के स्पेस मिशन के लिए काम करती हूँ। कोई भी सपना मुश्किल नहीं होता। खुद में विश्वास करो और कड़ी मेहनत करो, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मेरा उद्देश्य 10 लाख लोगों को बड़ा सपना देखने और बेहतर जिंदगी देने के लिए प्रेरित करना है। अक्षता ने नासा में साइंटिस्ट बनने के बारे में कहा कि साइंस के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नॉलेज हासिल करें और अपने अंदर उत्सुकता पैदा करें। इंजीनियरिंग या साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल करें। अच्छे नंबरों से अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। एरोस्पेस, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और फिजिक्स में PhD की डिग्री हासिल करें और फिर अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए और नासा में फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको बता दें कि अक्षता ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स में PhD की है। उन्हें नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में फ्लाइट सिस्टम इंजीनियरिंग, स्मॉल सैटेलाइट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कैलिब्रेशन, परफॉर्मेंस मॉडलिंग, साइंस डेटा प्रोसेसिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अक्षता को नासा के कई मिशन के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही।